जो बड़े इनको लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत ना। गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत ना। जय सियाराम। आज 62वें दिन का पाठ, 62 डेज ऑफ 108 डेज ऑफ श्री राम चरित मानस पाठ, भरत चरित्र का 14वां दिन। आज का पाठ अयोध्या कांड में 308 यानी के दोहा नंबर 308 चैप्टर 2 अयोध्या कांड। बड़ा ही सुंदर दोहा और इस पूरे अयोध्या कांड का एसेंस इस दोहे में है। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुरस्वारथी सराहि कुल बरसत सुर तरुकूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल यही एसेंस है कि समस्त सुंदर मंगलों का मूल क्या है, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो परस्पर संवाद है वह समस्त मंगलों का मूल है, और यह संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। अर्थात अगर भरत जी और भगवान राम के संवाद का पठन स्मरण श्रवण किया जाए तो देवता लोग जो है वो प्रसन्न होकर कल्प वृक्ष के फूल बरसाते हैं। अत्यंत सुंदर बात तुलसीदास जी महाराज ने कही, और ये कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाला, सब प्रभु की प्रेरणा से उनकी कृपा से ही हो रहा है। यहां बैठते ही जो दोहा रहीम का मैंने पढ़ा उसका भी कोई रेलेवेंस है जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो बड़े इनको लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाय। अगर अज्ञानी लोग, बूढ़ लोग, मूर्ख लोग या जलने वाले लोग किसी बड़े आदमी को छोटा करके बताएं, उसके अवगुण गिनाएं, उसको दोषी बताएं, तो उससे वो दोषी नहीं हो जाता या छोटा नहीं हो जाता। वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण गिरिधारी हैं, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे उठा रखा है, उन गिरिधारी को लोग मुरलीधारी कह देते हैं, बंशीधर कहते हैं। गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत ना है, फिर भी वो भगवान कृष्ण को दुख नहीं होता। अरे भगवान है, हम जैसे लोग हो तो हमें दुख हो जाए, हैं हम इतने बड़े, हमको मुरलीधर बुला रहे हैं, हम गिरधर हैं, लेकिन नहीं। बड़े लोगों की यही पहचान है कि छोटे लोगों की छोटी बातों से जरा भी विचलित नहीं होते, अपना कर्म करते रहते हैं, योगी की तरह होते हैं। हमारे देश भारत में भी ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो योग कर्मसु कौशलों उस पर काम करते हैं, और सिर्फ कर्म ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने देश की बागडोर बहुत अच्छे से संभाली पिछले कई सालों से, फिर भी बोलने वालों का
बोलने वालों की कमी नहीं है, उनको छोटा दिखाना, उनको नीचा दिखाना, उनको बंदी बातें कहना, गालियां देना, कुछ लोगों का तो मतलब जो पाचन तंत्र है इसी पर काम करता है। जब तक वो उनको बुरा ना कह लें तब तक उनका खाना नहीं पचता है। अभी जो चाइना के साथ चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। चाइना जैसे डील करना चाहे इस इशू से, इंडिया वैसे ही बहुत अच्छी तरह से डील करके वो डील वापस चाइना को दे देगा, उसके हाथ में पकड़ा देगा। और चाइना ये ना समझे कि हमें धौंस दिखाकर, डरा धमका कर कुछ अपना काम निकाल ले। ये 1962 नहीं है, 2020 है। और ऐसे वैसे प्रधानमंत्री नहीं है, अभी बड़े ही कर्मठ योगी के समान प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनसे डरिए, डरना जरूरी है, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं बोलते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, इन सबको नमन करता हूं मैं। देश के लिए प्रार्थना करता हूं, देशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं, समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हम भारतवासी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, सब हमारे भाई बहन, सबसे प्यार करना हमारा कर्तव्य है, सबकी उन्नति में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग यही ऐसा ही सोच रखें, ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए हमारे बाल कवि बैरागी जी ने लिखा है कि हमने हाथ मिलाया सबसे, हमने हाथ मिलाया सबसे, सब अपना परिवार रे, देखो कोई दगा न करना, अब हम भी होशियार रे, अब हम भी होशियार रे, के दूध से गोरा, चांद से गोरा, चांद से गोरा दिल रखते हैं ये काले इंसान रे। तुम देखो रे, देखो रे, देखो दुनिया वालों मेरा हिंदुस्तान रे, तुम देखो रे, देखो दुनिया वालों मेरा हिंदुस्तान रे। और दुनिया देखेगी हिंदुस्तान जब इन मसलों को हल करेगी। चाहे इस वक्त नेपाल हमारे अगेंस्ट, नेपाल को इतना सपोर्ट किया है इंडिया ने और वो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द टाइप्स, पॉलिटिकल टाइप्स विद चाइना। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, आप सब अपने मन की बात रखें सामने, क्योंकि मोदी जी हर संडे को मन की बात करते हैं। आप सबके मन के बातों का हल, आपके मन के मसलों का हल वो निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। रखिए, ऑल द बेस्ट टू यू। हमें पता है कि हमारी बागडोर सही हाथों में है, और उससे ऊपर भगवान श्री राम है जो संभाले में, तो उनका भी मंदिर बन रहा है, तो कुछ तो बात होगी। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। चलिए आज का पाठ करेंगे, सबसे पहले बजरंग बली जो साक्षात रूप से प्रकट होते हैं जहां भी भगवान श्री राम के गुणों का गान किया जाता है, गुणों का बखान किया जाता है। इसी के लिए भगवान बजरंग बली इस पृथ्वी पर रुके। बजरंग बली का ध्यान करते हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घर, जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर।
दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः सिया राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यावदे हि नमोस्तुते। पाठ से पहले मैं नमन करना चाहूंगा उन 20 शहीदों जिन्होंने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है इनकी कुर्बानी इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम वासांसि जेडानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जेडा यन्यानि संजाति नवानि देहि। ओम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न तुम शोचितुम अर्हसि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याहो न शोषयति मारुतः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम राम रामे तीरमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। दुआ संख्या 308 से आगे। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई मुनि मुथिलेश सभा सब काहू भरत वचन सुनि भय छाहु। भरत जी धन्य है स्वामी श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सले हु पुलकि प्रशंसत राव विदेहु सेवक स्वामी सुभाव सुहावन देहु प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी
पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, तू समाज यह हर्ष विषाद। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रही है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते। अत्रि कहउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप, राखी तीरथ तोय तह पावन अमिय रूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। तो कल भरत जी ने जो पूछा कि प्रभु मैं आपके राज्याभिषेक के लिए समस्त तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा कि अत्रि मुनि यहाँ मुनियों के प्रमुख हैं, उनसे पूछकर जैसा वो कहते हैं वैसा ही करो। तो अत्रि मुनि ने कहा कि यहाँ पास में ही एक सुंदर कुआं है, आप इस तीर्थ के जल को उसी कुएं में स्थापित कर दीजिए। तो वही कुआं भरत कूप के नाम से जाना जाता है और अभी भी उसके दर्शन करते हैं लोग और उसका पानी कहते हैं समस्त तीर्थों का पानी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआ था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। ताते अनादि सिद्ध थलेहु, लोपे उकाल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं। तब सेवकन सरस फलु देखा, कीन सुजल हित कूप बिसेखा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी ने सेवकों को कहकर और भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हहीं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे, तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाए। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव। अत्रि सुनायो रघुवर ही तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निसि सो सुख बीति। नित्य निवाहि भरत दो भाई,
राम अत्रि गुरि आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनही भई मृदु भूमि सकुचि मन मनही। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के मन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुछ कंटक का करी कुराई कटुक कठोर कु वस्तु दुराई महिमंजुल मृदु मार्ग कीने बत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ी दरारे आदि कर भी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन करि छाही बिठप फूलि फलि तृण मृदु ताही मृग बिलोकि खग बोलि सुवानी सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो राम कहत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहूं यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एही विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि मन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे चारु विचित्र पवित्र विशेखी बूझत भरत दिव्य सब देखी सुरी मन मुदित कहत ऋषि राउ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राजत्री जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकति मन अभिरामा कतहु बैठी मुनि आय सुपाई सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते हैं कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव स्नेहु सुसेवा देही आशीष मुदित बन देवा फिरहि गए दिनु पहरे अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर बल देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं जो घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माज कहत सुनत हरि हर सुजसु गयो दिवसु भई साज। भरत जी ने पांच दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते यह पांचवा दिन भी बीत गया संध्या हो गई। घोर नहाई सबु जुरा समाजु भरत भूमि सुर तेरहु तिराजु भल दिन आजु जानी मन मानी राम कृपाल कहत सकुचानी। अगले यानी के छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे।
गुर नृप भरत सभाय अवलोकी सकुचि राम फिरी अवन बिलोकी सिल सराही सभा सब सोची कहुन राम सब स्वामी सकुचि। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी भरत जी और सारी सभा की ओर देखा किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरी धीर भी सेकी करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि बूरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहउ सब ही संतापु बहुत भांति दुख पावा आपु अब गोसाई मोहि देउ रजाई सेवउ अवधि अवधि भरी जाई। प्रभु को संकोच में देखकर भरत जी स्वयं उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं कि मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी प्रभु बहुत प्रकार से दुख पाया, अब स्वामी मुझे आज्ञा दे मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे ही उपाय पुनि पाए जनु देखई दीन दयाल सो सिख देई अवधि लगी कोसल पाल कृपाल। हे दीन दयालु जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे हे कोसलाधीश हे कृपालु अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राउर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिन बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की रुचि लाल सार हनि जन जी की प्रणत पालु पाली ही सब काहु देव दुहु दिसी ओर निबाहु। हे स्वामी आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जान कर हे प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को यानी कि ओर और अंत तक निभाएंगे। अस मोही सब विधि भूरी भरोसो किए विचार न सोचु खरोसो आरती मोर नाथ कर छोहु तुम मिल कीर ढीठु हठी मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है विचार करने पर इनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी तज सकोच सिखइए अनुगामी भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी खीर नीर विवरण गति हंसी। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी तज सकोच सिखइए अनुगामी भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छल हीन देश काल अवसर सरी से बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहे वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही निपही घर बन की माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु
हम ही तुम ही सपने हो नकले सुरेता। तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथु स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु पितु आयसु पालि दुहु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हुकुम अग पग पर ही न खाले अस बिचारी सब सोच भी आई पाल हुआ अवधि अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता पतन नहीं होता ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देसु कोसु परिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग चरु भारु तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले हुकुमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए पाल पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। बड़ी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम ने कहा कि कोई भी मुखिया जो हेड कहीं का भी वो मुख की तरह होना चाहिए। हम मुख से खाते हैं लेकिन वह खाना जो है वो सारे अंगों को लगता है उसका पोषक तत्व सारे अंगों का पूरे शरीर का पोषण करता है सिर्फ अकेले मुख का नहीं। तो मुखिया जो है चीफ या हेड ऐसा होना चाहिए कि स्वयं जो सेवन करे उसका लाभ सबको पहुंचे। हमारे बड़े भाग्य है कि हमारे भारत देश को 70 सालों बाद ऐसा एक नेता मिला है ऐसा एक कर्मठ प्रधानमंत्री मिला है। नमन राज धर्म सर्वसु इतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति बिनु आधार मन तोषु न साथी। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भगवान भरत जी को समझा रहे हैं लेकिन भरत जी ने जो प्रभु से मांगा है कि मुझे तो कोई अवलंबन दीजिए आपके बिना मैं तो अपनी जिंदगी नहीं देख सकता हूं आपके बिछोह में तो मुझे लगता है कि जिंदगी है ही नहीं। तो ये अवधि 14 वर्ष की पूरी करने के लिए आपके बगैर मुझे कोई आपका अवलंबन आपकी निशानी कुछ तो भी दे ऐसा भरत जी। और तो प्रभु समझा तो रहे लेकिन भरत जी जब तक प्रभु अवलंबन की बात न करें उनको किसी से भी संतोष नहीं हो रहा है। और अब भगवान भरत जी को अपनी चरण पादुका देते हैं। भरत सील गुर सचिव समाजु सकुच सनेह दिवसे रघुराजु प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी लीनी।
इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। जय सियाराम। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जानिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत सने हरतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार दे दिए हो भरत जी को। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए ये मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है, उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता राम जी के रहने से होता। मागे उबिदा प्रणाम करी, राम लिए उरिलाई, लोग उचाटे अमर पति, कुटिल पुअब सरुपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भईनी की, अवधि आस सब जीवन जी की, नतर लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके भर ही जाते। राम कृपा अब रेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गोहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन मगि अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्नों का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज भी दुखी हो गई। भगवान भरत जी को गले लगाकर प्रेमाश्रु बहा रहे। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंचि बिरले तू पाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुवर भरति, प्रीति अनूप अपारी, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित
तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहा जलक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानिहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम की प्राकृत लौकिक, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत यानी कि लौकिक कहने में बड़ा दोष है, यह तो अलौकिक प्रेम है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझे। सो सकोच रसु अकथ सुवानी, समौ स्नेहु सुमिरि सकुचारी। भेट भरत रघुबर समुझाए, पुनिर पुदवनु हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अदेव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहू समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया, वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीश धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनहि भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूली को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। अब भरत जी प्रभु से विदा हो रहे हैं और यह अत्यंत करुणा का समय है। प्रभु भी अपने प्रेमाश्रु नहीं रोक पा रहे हैं भरत जी से बिछड़ते हुए। भरत जी अब प्रभु की आज्ञा लेकर उनकी बावरी सिर पर रखकर 14 वर्ष की अवधि काटने अयोध्या को वापस लौटने की शुरुआत कर रहे हैं। सानुज रावण पहि सिर लाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग धारी देही असीसा, किन धीर धरी गगन महीसा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाब देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनेरा जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे। सब सनमानिक पादि तेरे, सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेटी। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब बेटी। भरत जी की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ
उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इस प्रकार प्रभु अब सबको विदा कर रहे हैं। अयोध्या वासी अयोध्या मिथिला वासी मिथिला लौटेंगे, सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट जाएंगे और कल अयोध्या कांड समाप्त होगा जब प्रभु की पावरी यानी के पादुका भरत जी अवध के सिंहासन पर रखकर स्वयं मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक कुटिया बनाकर रहेंगे और उनका प्रेम इतना है यह जानकर कि उनके इष्ट श्री राम भूमि शयन करते हैं, भूमि पर सोते हैं कुशा बिछाकर, तो भरत जी अपने आप को प्रभु का अत्यंत दीनहीन सेवक जानकर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में कुशा बिछाकर वहां शयन करते हैं कि भरत जी हमेशा प्रभु के इसलिए इतने प्रिय है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्णतया प्रभु में समर्पित कर दिया है, प्रभु की सेवा को हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रभु अगर भूमि शयन कर रहे हैं तो भरत जी कहते हैं कि फिर मैं भूमि पर नहीं सो सकता, यहाँ तो मेरे स्वामी सोते हैं, तो मेरी जगह उसके नीचे हो सकती है, तो गड्ढा खोद करके भरत जी उसमें सोते। आज भरत जी को प्रभु ने पादुका दे दी है, तो एक भजन है, राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजुमन 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 राम चरण सुखदाई। जहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिव लाई। जहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिव लाई। सोई चरण के वट धोई लीने सोई चरण के वट धोई लीने तब हरि नाम चढ़ाई भजुमन राम चरण सुखदाई भजमन राम चरण सुखदाई भजुमन राम चरण सुखदाई भजुमन राम चरण सुखदाई भजुमन राम चरण सुखदाई भजुमन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जहि चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई भजुमन राम चरण सुखदाई भजमन राम चरण सुखदाई।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी महाराज की जय। श्री राधेवर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। श्री भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। समस्त गुरुजनों की जय। समस्त देवताओं की जय। समस्त पूर्वजों की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जपत पुरारी प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम।